विंटर हो और बादाम एंड गुड़ का हलवा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मेरे किचन में बनाते हैं गुड़ और बादाम का हलवा। गुड़ बादाम का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ कप जितनी बादाम ली हुई है और इसको गर्म पानी में भिगा दिया है, क्योंकि हमें बादाम को ब्लांच करके उसके छिलके निकालने हैं। इसको हम पीस लेंगे। अभी ये देखिए, बादाम तो अच्छे से पीस चुकी है, तो अब हलवा बनाने की शुरुआत करते हैं। हलवा बनाने के लिए पहले कढ़ाई में मैं अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम घी ले लेती हूँ। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें मैं 1/4 कप जितना घीयू का आटा डाल देती हूँ और इसको हम अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि गुलाबी कलर आ जाए। ये देखिए, घीयू का आटा तो अच्छे से सिक रहा है, हल्का हल्का गुलाबी कलर भी आ चुका है। आप देखेंगे तो इसने घी भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। यही टाइम पे मैं इसमें ये पीसी हुई बादाम ऐड कर दूंगी। बादाम ऐड करने के बाद हम गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम टू स्लो कर देंगे और 5 मिनट तक इसको भूनते रहेंगे। अब ये हलवे के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली 200 ml जितना दूध और पानी मिक्स किया हुआ लिक्विड ऐड कर दूंगी। आप सिर्फ दूध चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। अब ये दूध और सारी चीज़ें तो मिक्स हो गई है हलवे में, तो अब जाके मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम जितना गुड़। गुड़ की जगह पे आप चाहो तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और गुड़ ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को एकदम ही स्लो कर दिया है और आराम आराम से चलाते हुए हम ये गुड़ को पिघला देंगे। हलवे में फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी इलायची का पाउडर और थोड़ा सा दूध में भिगाया हुआ केसर। ये टोटली ऑप्शनल है। ये देखिए, हलवा तो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। साइड साइड से इसने घी भी रिलीज कर दिया है। गर्मा गर्म हलवा तो बनके रेडी है। मैं फटाफट से प्लेटिंग कर देती हूँ। ऊपर से थोड़े से मैं कटे हुए पिस्ता ऐड कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है मजेदार सा गुड़ और बादाम का हलवा। इतना अमेजिंग है, चीट डे हो ना, ये पूरी प्लेट में खा जाओ।